यह सौदा फिर ना ही संतो, यह सौदा फिर ना ही। लोहे जैसा ताव जात है, काया देह सराही। तीन लोक और भुवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही। दुगने तिगुने किए चौगुने, किन्हों मूल गवाही। भावार्थ, जैसे दो व्यापारी यानी बिजनेसमैन दूर किसी शहर में सौदा करने गए और 5-5 लाख रुपए मूलधन ले गए। एक ने अपने धन का सदुपयोग किया, धर्मशाला या होटल में किराए पर कमरा लिया, सामान खरीदा और महंगे मोल बेचा, जिससे उसने 20 लाख रुपए और कमा लिए। 2 वर्ष में वापिस अपने घर आ गया, सब जगह प्रशंसा हुई और धनी बन गया। दूसरे ने भी होटल या धर्मशाला में कमरा किराए पर लिया, शराब पीने लगा, वैश्याओं के नृत्य देखता, खाता और सो जाता। उसने अपना मूलधन 5 लाख रुपए भी नष्ट कर दिया। वापिस घर आया तो ऋण यानी कर्जा हो गया, जिससे 5 लाख रुपए उधार लेकर गया था। उसने अपने रुपए मांगे, ना देने पर उसको अपना मजदूर रखा, उससे अपना 5 लाख का धन पूरा किया। उपरोक्त वाणी का यही तात्पर्य है। तीन लोक यानी स्वर्ग लोक, पाताल लोक तथा पृथ्वी लोक में जितने भी प्राणी हैं, वे सब अपना राम नाम का सौदा करने आए हैं। किसी ने तो दुगना, 3 गुना, 4 गुना धन कमा लिया, अर्थात पूर्ण संत से दीक्षा लेकर मनुष्य जीवन के श्वासों की पूंजी जो मूल धन है, उसको सत्य भक्ति करके बढ़ाया। अन्य व्यक्ति जिसने भक्ति नहीं की या शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण किया या अनधिकारी गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति की, उसको कोई लाभ नहीं मिलता। यह पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में प्रमाण है, जिस कारण से उसने भी अपने मनुष्य जीवन के श्वास रूपी मूलधन को सत्य भक्ति बिना नष्ट कर लिया।